How to make relay circuit timer? Pehle subscribe my channel, press bell button. Hi friend, it is a relay mechanism time cut up करने के लिए एक relay circuit के बारे में हमने बात करते हूँ. ये तो देखिए ना, इसमें time set किया तो automatic power cut up होता है. ये तो कैसे वर्क होता है पहले देखिए ना. हमने पावर सप्लाई इनपुट 230 वोल्ट एसी पावर सप्लाई दे रहा हूँ. पावर ऑन है. इसमें देखिए ना, ये बटन प्रेस किया तो इसमें रिले स्टार्ट होता है. देखिए ना, ये तो स्टार्ट हुआ. इसमें हमने टाइम सेट किया. इधर देखिए ना, ये अलार्म, मामूली अलार्म में हमने एक टाइम सर्किट बना के हमने ये टाइम यूज़ करते हूँ. इसमें देखिए ना, 12:35 हो गया. इसमें हमने ये टाइम सेटिंग इनसाइड एक स्मॉल येलो कलर नीडल है ना, नीडल सेट किया तो ये ऑटोमेटिक टाइम ऑफ होता है. देखिए ना, ये ऑफ हुआ. इसको हमने अगेन स्टार्ट करते हैं. देखिए ना, अब टाइम स्टार्ट हुआ. इसमें पावर सप्लाई ऑन है. ये येलो लाइन को ये टाइम रीच हुआ तो ऑटोमेटिक पावर कटअप होता है. इसमें ये सर्किट बनाने के लिए हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया तो हमने पूछते हूँ. पहले देखिए ना, ये टाइप एक टाइमर यूज़ किया. मार्केट में एक टाइमर भी अवेलेबल है. नेक्स्ट वन मामूली इलेक्ट्रिकल प्लग. और नेक्स्ट एक पुश बटन. इनसाइड देखिए ना, इनसाइड हमने क्या क्या अंदर डाला था देखिए ना. ये तो 12 वोल्ट पावर सप्लाई है. देखिए ना, प्लस और माइनस लाइन वन लाइन एंड न्यूट्रल. इनपुट 240 वोल्ट 7 एम्स और 12 वोल्ट आउटपुट 5 एम्स मैक्सिमम. और दो टाइमर है. ये तो 12 वोल्ट का दो टाइमर है. ये टाइमर वन साइड इज NO, वन साइड इज NC लेके हमने एक सर्किट बनाया था. सर्किट के बारे में नेक्स्ट बात करते हूँ. ये तो यूज़ करने के लिए टू और थ्री टाइप यूज़ करने के लिए आता है. वन इज़ लाइटिंग, अनदर वन इज़ मोबाइल चार्जिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पावर कटअप करने के लिए ये सर्क्यूट यूज़ करने के लिए आता है. देखिए ना, ऑटोमेटिक ऑन होता है. कौन सा साइकिल स्टार्ट हुआ तो लाइट ऑन होता है. ये टाइम कितने टाइम आप रखते हो वो टाइम रीच होने के बाद ये ऑटोमेटिक कटअप होता है. नेक्स्ट देखिए ना, इस ये बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ किया था हमने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डालते हूँ. और सर्किट नेक्स्ट उसके बारे में पूछते हूँ. हाय फ्रेंड्स, इट इज़ ए relay mechanism with timer base, electrical plug point, timer, 12 volt DC supply, push button, relay 1, relay 2. One using is NO condition, one using in NC condition. Cut up करने के लिए इसको use करते हूँ. इसमें connection देखिए ना,
ये तो इनपुट लेंगे 230 वोल्ट, ये है डीसी आउटपुट 12 वोल्ट, 12 वोल्ट पावर सप्लाई। इसमें पहले देखिए ना, न्यूट्रल नेगेटिव नेगेटिव कॉमन किया था हमने, एक पॉजिटिव लाइन लेके डायरेक्ट एक पुश बटन को दिया था, पुश बटन प्रेस करने के वक्त ये डायरेक्ट पावर इसमें ये कॉइल स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद हमने NO लाइन को 12 वोल्ट पावर सप्लाई दिया था। इसमें क्या होता है, 12 वोल्ट इसमें आता है, मगर ये रिले ऑन होने के टाइम ये कॉमन लाइन में सप्लाई होता है। सप्लाई होने की वजह से ये रिले में कॉमन लाइन में पावर आता है। कॉमन लाइन में पावर आए तो ये क्या होता है, ये नेक्स्ट NC में रिलीज होता है। NC में रिलीज होने की वजह से वन टाइम ये सप्लाई दिया तो ये ऑटोमेटिकली रिले वन टाइम बटन प्रेस किया तो पावर कंटिन्यूटी स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने हुआ तो इसमें देखिए ना, हमने इधर 240 वोल्ट इन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई ना वो डायरेक्ट दिया था, ये तो क्या होता है डायरेक्ट प्लग पॉइंट को सप्लाई होता है। सप्लाई होने की वजह से ये लाइट ऑन होता है, लाइट और चार्जर कोई भी ऑन होता है। ये टाइमर में तुम कितनी टाइम रखती हो, रखने के बाद टाइम होने के बाद में ये ऑटोमेटिक ये क्या होता है रिले के टाइमर के लिए एक पावर इनपुट देती हूँ। इनपुट हो आउटपुट आके वो क्या होता है, ये सेकेंड रिले है ना, रिले में ऑन करने के लिए कॉइल ऑन करने के लिए यूज़ होता है। कॉइल ऑन हुआ तो ये क्या होता है, ये NC पावर सप्लाई ऑटोमेटिक कटअप होता है। कटअप होने की वजह से ये सर्किट पूरा बंद होता है। ये तो रिले मैकेनिज्म है। इसके लिए टाइमर बेस में रख के हमने ये मोबाइल चार्जिंग और लाइट वगैरह वगैरह ऑल टाइप यूज़ करने के लिए आता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो देखिए ना, तुम भी बनाइए ना। ये रिले मैकेनिज्म बहुत सारा मशीन में भी यूज़ करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल बटन, शेयर माय वीडियो।